सोनभद्र जिला अवैध खनन को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। एक बार फिर ओवरलोड व बिना परमिट के परिवहन को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है, जहां पर खनन विभाग के संरक्षक व एक्स आर्मी कटघरे में खड़े हैं। मौके पर वाहन पास कराते एक एक्स आर्मी के जवान को लोगों ने पकड़ लिया। आपको बताते चले कि रविवार रात 7 बजे के आसपास ट्रक एसोसिएशन के लोगों को सूचना मिली कि एक वाहन बिना परमिट के ओवरलोड एक ट्रक बैरियर से पास हुई है। एक ट्रक यूनियन के लोगों ने सक्रियता दिखाते हुए ट्रक को उर्मोरा से रोककर उससे पूछताछ करनी चाहिए, तो ट्रक ड्राइवर वाहन को बीच सड़क पर खड़ा कर भाग निकला। तब तक एसोसिएशन के सारे सदस्य वहां पर पहुंच गए और मौके पर एक एक्स आर्मी का जवान जो वाहन को पास करा रहा था आ गया और एसोसिएशन के लोगों ने विवाद करने लगा। तब तक एसोसिएशन के सदस्यों ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान वहां काफी भीड़ लग गई और रोड पर जाम लग गया। ट्रक एसोसिएशन के लोगों का आरोप है कि पैसा लेकर एक्स आर्मी व निरीक्षक की मिली भगत से ओवरलोड व बिना परमिट की गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। हम लोगों को अंडरलोड में भी परेशान किया जा रहा है। इन भ्रष्ट लोगों की वजह से बदनाम व परेशान छोटे ट्रक मालिकों का होना पड़ रहा है। एसोसिएशन के लोगों ने मौके पर पहुंचकर सदर एसडीएम को लिखित शिकायत करते हुए बैरियर पर कार्यरत एक एक्स आर्मी को हटाकर पुलिस वालों को बैरियर पर रखने की मांग की है। अभी शाम को खनिज बैरियर के से आगे टाटा मोटर के पास एक हंगामा हो रहा था, वो क्या मामला था उसके बारे में बताएं। पहले तो मेरा संक्षिप्त में परिचय जान लें। मैं कमल किशोर सिंह, सोनांचल ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन सोनभद्र का जिला अध्यक्ष। हमें कई दिनों से ये सूचनाएं मिल रही थी कि एक्स आर्मी के जवान पैसा लेकर गाड़ियों को पार करा रहा है। इसी क्रम में आज हमने अपने एसोसिएशन के कुछ सदस्यों को अपने साथ और चेक खनिज चेक पोस्ट के आगे पीछे लगा रखा था। 4-5 गाड़ियों के निकलने की सूचना मिली और हम लोगों ने उनका पीछा किया। खनन चेक पोस्ट से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गाड़ी पकड़ने में हम लोग सफल हुए और ड्राइवर से पूछा गया तो ड्राइवर ने बताया कि यह योगेंद्र मौर्य एक्स आर्मी के जवान की गाड़ी है और धमकी देने लगा। इसी बीच वह ट्रक बीच सड़क पर छोड़ के भाग गया। योगेंद्र मौर्य 10 मिनट के बाद आते हैं अपने 4-5 लोगों के साथ और एक ट्रक एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मारपीट करते हैं, और जब ट्रक एसोसिएशन की संख्या बढ़ती है तो उसके बाद जो है योगेंद्र मौर्य और उनके भाई को पकड़ लिया जाता है। बाकी सदस्य भागने में सफलता प्राप्त करते हैं और लास्ट में उनका भाई भी मौके का फ़ायदा उठा के भाग जाता है। यह सूचना हम लोग लगातार खनन अधिकारी महोदय को देते रहे कि सर एक्स आर्मी के जवान 5,000 रुपये लेकर के प्रति गाड़ी बिना प्रपत्र और ओवरलोड गाड़ियों का संचालन करा रहे हैं, लेकिन खान अधिकारी इन बातों को इग्नोर करते रहे और ये बताते रहे कि हमारे यहाँ ऐसा कोई एक्स आर्मी नहीं कर रही है, जबकि हम लोग आज प्रूफ के साथ रंगे हाथों एक्स आर्मी के जवान को गाड़ी पार कराते पकड़े हैं और इसकी सूचना जिलाधिकारी महोदय को भी दी गई, सारे लोगों को दे दी गई है। मौके पर SDM साहब आए थे, उनसे आप लोगों ने क्या मांगे रखी हैं और किन मांगों को उन्होंने स्वीकार किया है? मौके पर SDM साहब आए थे, उनको हम लोगों ने बताया कि जो रक्षक है, जो एक्स आर्मी के जवान को रक्षक बनाया गया परमिट चेक करने के लिए बनाया गया, वही 5,000 रुपये प्रति गाड़ी लेकर के बिना प्रपत्र और ओवरलोड गाड़ियों को छोड़ रहे हैं और ये हम लोगों ने रंगों हाथ पकड़ा है। तो वहाँ पर हम लोगों ने डिमांड किया कि जो एक्स आर्मी का जवान पकड़ा गया है उसको जेल भेजा जाए। उसकी गाड़ी पे माइंड टैग फर्जी लगा हुआ था, नंबर प्लेट भी